INS विक्रांत 2 सितंबर को इसका पुनर्जन्म होगा। पीएम मोदी इसे इंडियन नेवी को सौंपेंगे। नया INS विक्रांत भारत में बना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है और आज की वीडियो में हम जानेंगे कहानी इसी INS विक्रांत के पुनर्जन्म की। INS विक्रांत की कहानी शुरू होती है 4 मार्च 1961 से उत्तरी आयरलैंड का बेलफास्ट। भारत की उच्चायुक्त विजय लक्ष्मी पंडित ब्रिटेन से खरीदे गए HMS हरक्यूलिस के डेक पर पहुंची। उन्होंने यहां इंडियन नेवी का झंडा फहराया। नेवी में शामिल होते ही इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम रखा गया INS विक्रांत। 31 जनवरी 1997 को नेवी से रिटायर होने तक 36 सालों में INS विक्रांत ने देश की बड़ी सेवा की। 1971 की जंग में INS विक्रांत ने अपने सी हॉक लड़ाकू विमानों से बांग्लादेश में मौजूद पाकिस्तानी सैनिकों का संहार किया। कारगिल जंग के बाद भविष्य के खतरों से निपटने की तैयारी हो रही थी। प्रस्ताव रखा गया एक विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का जो स्वदेशी हो। इंडियन नेवी के पास ऐसे युद्धपोत ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस तो था लेकिन बनाने का नहीं। अटल सरकार ने कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी 2002 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। इंडियन नेवी के DND ने इसका डिजाइन बनाया। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में इसका 60:40 रेशो के साथ कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, यानी 60% भारतीय सामान और 40% विदेशी। 2005 तक सब कुछ ट्रैक पर था, तभी रूस ने वॉरशिप ग्रेड स्टील देने से मना कर दिया। वॉरशिप ग्रेड स्टील एक खास तरह की स्टील होती है जिसे एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए जाते हैं। हम इसके लिए रूस पर निर्भर थे। उसके मना करने से 2 साल काम रुका, लेकिन हमने आपदा को अवसर में बदला। इस बीच DRDO और सेल ने मिलकर खुद का वॉरशिप ग्रेड स्टील तैयार किया। 2009 में INS विक्रांत का प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और अब 2 सितंबर 2022 को INS विक्रांत भारतीय नेवी में कमीशन्ड होगा। ये 262 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा, 59 मीटर ऊंचा है। 2 फुटबॉल फील्ड के बराबर रनवे है। इसमें 4 LM 2500 गैस टर्बाइन हैं जो 88 MW पावर जनरेट करेंगे। 14 डेक हैं, 2200 कंपार्टमेंट्स, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कैंटीन के साथ मॉडर्न किचन भी, जहां 1 घंटे में 1600 लोगों का खाना बन सकता है। एक बार ईंधन भरने पर यह 45 दिनों तक समुद्र में रह सकता है और साथ ही समुद्र में इसे रिफिल भी किया जा सकता है। INS विक्रांत टारगेट एलिफेंट है, यानी ये इतना विशाल है कि जंग के दौरान इसे छुपाया नहीं जा सकता, इसीलिए सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। विक्रांत में 32 मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल हैं, एक AK-630 रोटरी कैनन और इंडियन एंटी मिसाइल नेवल डेकॉय सिस्टम है। इसमें इसके अलावा किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह इसमें भी MiG-29K जैसे फाइटर जेट और MH-60R जैसे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी होंगे। INS विक्रांत का 76% हिस्सा पूरी तरह भारतीय है। इसके साथ ही हम उन चुनिंदा देशों में शुमार हो गए हैं जो एयरक्राफ्ट कैरियर डिजाइन करने और बनाने दोनों में सक्षम हैं। तो ये थी स्टोरी INS विक्रांत की। आपकी INS विक्रांत के बारे में क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। और भी ऐसे वीडियोस के लिए जुड़े रहें इफेक्ट्स ऑफ इंग्लिश पर। जय हिंद।